नमस्कार, मैं हूं अनिकेत। आप देख रहे हैं डीएन सिटी लाइव न्यूज। पटना में 24 जनवरी को होने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को सफल बनाने को लेकर साहेबपुर कमाल के भुजंगी इंटर कॉलेज में किया गया राजद का बैठक आयोजित। जिलाध्यक्ष ने की अध्यक्षता। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जिलाध्यक्ष इस पूरे वीडियो में। साहेबपुर कमाल से डॉक्टर रामोदय शर्मा की रिपोर्ट, टीम डीएन सिटी लाइव न्यूज, साहेबपुर कमाल। अभी हम आए हुए हैं साहेबपुर कमाल भुजुंगी उषा महाविद्यालय के प्रांगण में। प्रांगण में राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय के नेताओं के द्वारा कर्पूरी जयंती को सफल बनाने के लिए चिंतन मंथन चल रही है, ताकि देश के अंदर जिस तरह से समाजवाद विलुप्त होते जा रहा है, इसको बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जो समाजवादी विचार के लोग हैं वो एक साथ बैठ के मंथन चिंतन कर रहे हैं। अब हम इस बीच जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मोहित बाबू, तो हम मोहित बाबू से मिले और उनसे जाने कि आज की बैठक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती को लेकर के आप कर रहे हैं, इस क्षेत्र से आप क्या उम्मीद करके जा रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहित यादव हुआ, RJD जिला अध्यक्ष बेगूसराय। आज की जो बैठक चल रही है, देखिए बैठक आज का बैठक का मुख्य एजेंडा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू और बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आर्थिक न्याय के महानायक देश के युवाओं की आवाज़ के नेतृत्व में दिनांक 24 जनवरी समय 11 बजे दिन से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के सभागार भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाया जाएगा। इसी को तैयारी को लेकर आज हम साहेबपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत उषा भुजुंगी महाविद्यालय के प्रांगण में कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच एक आवश्यक बैठक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किए हैं। और यहाँ के स्थानीय जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर सतानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव और हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अन्य वरिष्ठ नेताओं ने यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर पंचायत में बैठक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और खास करके पटना में जो कार्यक्रम है कर्पूरी जयंती समारोह, उस कार्यक्रम में बेगूसराय जिला में खास करके साहेबपुर कमाल विधानसभा से अच्छी उपस्थिति होगा। यहाँ उतना जोर शोर से तैयारी, क्योंकि यह साहेबपुर कमाल की धरती है। पूर्व नगर विकास मंत्री माननीय श्री बाबू का कर्म भूमि है, डॉक्टर तनवीर हसन साहब का कर्म भूमि है, इसलिए समाजवादियों की धरती रहा है। लेकर समाजवादियों के साथ